कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं किसी अरब देश में हूँ, तो मैं हूँ इस वक्त मिस्र में। और हमने एंट्री कर ली है मिस्र के म्यूजियम में, जहाँ पर फिरौनों की ममी रखी हुई है, उनकी डेड बॉडी रखी हुई है हजारों साल से, 4-5 हजार साल से उनकी बॉडी को कैसे प्रिजर्व किया हुआ है, कैसे उनको रखा हुआ है, वही मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। ओ माय गॉड, अल्लाहु अकबर। देखो जी, ये उस टाइम के इंसानों की डेड बॉडी की हड्डी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के जो फिरौन थे, उस वक्त के जो इंसान थे, उनकी हड्डी को रखा हुआ है। ये भी एक इबरत की निशानी है कि 4-5 हजार साल पहले आपने किस तरह से इस हड्डी को रखा है 4 हजार साल से। देखिए, देखो जी, 3500 सालों से ये डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। 3500 साल हो गए इस डेड बॉडी को, और ये इनके निशानात हैं। ये देखिए, ये इनके दांत वगैरह, ये इनकी बॉडी का पार्ट है, दांत है और सर की हड्डी है। और ये देखिए, ये उस वक्त के ज़माने के मिट्टी के बर्तन हैं, ये तकरीबन 3500 से 3200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन, जो उस वक्त के फिरौन, जो उस वक्त के बादशाह, जो उस वक्त के लोग थे, वो यूज़ करते थे, सुराही वगैरह, खाने का सामान। और ये देखिए, ये क्या है, ये मुझे लगता है उस वक्त की गुल्लक हो सकती है, कुछ उस वक्त के ही ये मिट्टी के बर्तन हैं 3500 सालों से जो आज तक रखे हुए हैं। ये देखिए, ये उस वक्त के जो किसान लोग होते थे, काश्तकार लोग होते थे, जो उस वक्त खेती करते थे, ये वही वो चीज़ें हैं जो वो किसान लोग यूज़ करते थे। देखिए, और ये उनका भगवान है, ये उस वक्त के लोगों का भगवान, जो मानते थे कि इसकी पूजा करने से हमारी फसलें अच्छी होंगी। ये इनके सामान हैं, रस्सी हैं, उस वक्त भी रस्सी का यही इस तरह से बनती थी और आज भी। ये देखिए, ये वाली मूर्ति मैंने आपको रियल में दिखाई थी, ये उसका डमी है, मतलब देख सकते हैं किस तरह से एक शेर की डमी है, पीछे से शेर है, आगे से ये चेहरा है। उस वक्त भी ये पहले छोटी बनाई गई थी, उसके बाद में ये बड़ी बनाई गई थी। उस वक्त के हथियार देखिए, इन हथियारों से ही ये पूरी की पूरी जो पूरी स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था। तो देखिए कितने साल इनको हो गए हैं। और ये उस वक्त के कब्रिस्तानों का नज़ारा है, क्योंकि उस वक्त के फिरौन मानते थे कि रूहें वापस आएंगी और जिंदा होंगी, तो उनके लिए घर बनाते थे। तो ये पूरा घर का एक स्ट्रक्चर इन्होंने लोगों ने बनाया हुआ है। तो 3500 सालों से लोग किस तरह की भाषा यूज़ करते थे, ये उस वक्त की रोमन भाषा है या फिर क्या भाषा है, इसको क्या भाषा बोलेंगे। 1965 से 1920 BC तक ये भाषा शायद यूज़ की जाती थी, ये पूरा इन्होंने यहाँ दर्शाया गया। और देखिए, ये पत्थर पर, पूरा पत्थर पर इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, ये मम्मी के ताबूत हैं, और वो ताबूत देख रहे हैं, वो एक लेडीज़ का है, उसके दोनों हाथ नीचे हैं, इसका मतलब वो एक लेडीज़ की मम्मी है। और ये है एक जेंट्स की मम्मी, इसके हाथ में एक खंजर या उस खंजर नुमा कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिससे पहचान होती है कि यहाँ ये एक मम्मी है, मम्मी का ताबूत है। और मेरे पीछे जो आप ये फिरौन देख रहे हैं, इस फिरौन को, ये फिरौन तकरीबन बताते कि 18-19 फिरौन बादशाह आए हैं, और ये उनमें से तीसरा फिरौन था जो कि बहुत ताकतवर था। तकरीबन 4-5 हजार साल पहले का ये फिरौन था। इस तरह की कश्ती होती थी, एक बड़ी कश्ती होती थी, और ये इस तरह के कश्ती पे लोग जाते थे। ये उस ज़माने का टाइम बताने का एक तरीका था। अभी पैर चलते थे उस टाइम पे, और किस तरह से पैर चलते थे, परछाई के थ्रू। ये देखिए, परछाई के थ्रू, ये परछाई जहाँ जहाँ पड़ती थी तो मालूम हो जाता था कि भाई क्या वक्त हुआ है। जी भाई साहब, देखिए, ये उस गोल्ड का उनका ताबूत होता था, ताबूत गोल्ड का। ये देखिए, जो भी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, वो तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये गोल्ड है या गोल्ड इसको हटाया हुआ है, लेकिन गोल्ड की तरह ही लग रहा है, उस तरह के जो
मतलब ये किसी राजा का लग रहा है मुझे, ये किसी राजा का लग रहा है। और ये इसके देखिए, ये इसके आप देख रहे हैं, ये इसके स्क्रू थे, मतलब पैच थे जिसको लगा के इसको बंद किया जाता था। ये देखिए उस जमाने का कपड़े, उस जमाने के सिक्के, ये सिक्के तो शायद अंग्रेज के ज़माने के भी रखे हुए हैं, उस ज़माने में कुछ और चलता था। देखिए ये उस वक्त का वक्त बताने की मशीन है। अभी हम चल रहे हैं जहाँ मम्मी को रखा गया है, मम्मी को मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार साल से उनकी बॉडी को रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर वहाँ कैमरा अलाउ हुआ तो। ये देखिए फिरौन को किस तरह से रखा गया, ये एक फिल्म के थ्रू बताया गया है जी। वाह वाह वाह, ये अपने आप को अल्लाह मानते थे, ये अपने आप को खुदा बताते थे, ये फिरौन देखे तस्वीर में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अंदर जाकर जो मम्मी रखी हुई है, फिरौन की मम्मी रखी हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की जो मम्मी रखी हुई है, उनकी फ़ोटो लूँ, लेकिन वहाँ अलाउ था ही नहीं। हर वक्त हमारे साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक पुलिस वाला था जो हर वक्त मना कर रहा था, नो फोटो। कोशिश की लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने 5,000 साल से फिरौन को यहाँ पर रखा हुआ है इबरत की निशानी के लिए। और एक फिरौन नहीं है, उस वक्त के जो राजा थे तकरीबन 9 फिरौनों की, जो 9 किंग थे, 9 फिरौनों की यहाँ मम्मी रखी हुई है, जैसे क्या तस्वीरों में देख रहे हैं जो यहाँ LED चल रही है उसमें देखिए। और एक फिरौन ने करीबन 66 साल राज किया, 66 साल उस मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जो फिरौन था उसने 66 साल राज किया। और तकरीबन बताया जाता है कि उसके 100 लड़के थे और 10 लड़कियाँ थी और ना जाने कितने दर्जन उसकी बीवियाँ थी उस वक्त के फिरौन की। तो कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जो तस्वीरें आप म्यूज़ियम के अंदर देख रहे हैं वो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। इबरत लीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश कीजिए कि हमेशा दूसरों के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और यूँ ही प्यार देते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।